जी अस्सलाम वालेकुम। पड़ोसी के पड़ोसी को जाकर मिलना चाहिए, ये है। तो जो पड़ोसी का जब जो एकदम से घर पे आना जाना रहता, या समझो घर पर कुछ ऐसा होगा, बच्चा गिर गया या लाइट चले गई, ये तो मतलब ये पड़ोसी का मतलब एक लिमिटेशन कितना होना चाहिए। अगर बच्चा गिर गया तो अपन जाते, वो भी गैर महरूम रहते या वो भी डायरेक्टली आ जाते, तो इसका एक लिमिटेशन कितना होना चाहिए। तो कि भाई ने पड़ोस के ताल्लुक सवाल किया कि पड़ोसी की मदद करना, जाना, उनकी हेल्प करना, बच्चा गिर जाए, लाइट चले जाए, लेकिन इसमें हुदूद क्या होंगे, लिमिटेशंस क्या होंगे, किस हद तक ये मामला है। तो देखिए, पर्दे के सारे हुदूद के साथ ही ये सब चीज़ें हैं, महरम गैर महरम की सारी हुदूद के साथ ही चीज़ें। वरना मैंने देखा पड़ोसी तो ऐसे पड़ोसी की घर के बीच में की दीवार ही तोड़ डाले, इनका बच्चा कभी भी आ जा रहा, उनका आ जा रहा, क्यों? पड़ोस का बच्चा है ना, अपने सामने पला बड़ा, ठीक है आपके सामने पला बड़ा, लेकिन आपकी बच्चियों के लिए महरम नहीं ना उनका बच्चा, नहीं उस आपकी बीवी के लिए। जब छोटा तो ठीक है, लेकिन जब बड़ा हो जाएगा, चुन्नू जब छोटा है तो कोई मसला नहीं, जब चुन्नू बड़ा हो गया तो आप जो है आपकी बीवी उसके लिए महरम नहीं रही ना, समझ रहे आप? नहीं नहीं, चुन्नू तो हमारे सामने पला बड़ा, नहलाई मैंने तो उसको कितनी बार, मेरे सामने था ये, इसकी खतना भी हमारे घर में हुई, यही पला यही बड़ा, इसका तो सब पता है अपने को। नहीं नहीं, बड़ा हो गया, समझ रहे आप? तो वहाँ उसको लिमिट्स होंगी। तो पर्दे की हदूद के साथ सारी चीज़ें, मदद और ये, उनका बच्चा गिर गया। आप देखिए, हंगामी सूरतों को ये एक्सेप्शनल होती है, इस्लाम में हर चीज़ का कहीं ना कहीं जाके एक्सेप्शनल होता ही है। कई बार तो कई हराम चीज़ें भी एक्सेप्शनली जाके हलाल हो जाती है इंसान के लिए, समझ रहे ना आप? चूँकि एक्सेप्शनल जिसको हम कहते हैं मुस्तस्ना, ये होता ही हर जगह। नमाज फ़र्ज है, कई जगह मुस्तस्ना है, बेहोश आदमी के लिए एक्सेप्शनल, समझ रहे आप? ठीक है, तो एक्सेप्शनल। चोरी हराम है, भूख से मर जाएगा, चोरी के बगैर चारा नहीं है तो एक्सेप्शनल। इसीलिए जब भुखमरी होती है, फसलें नहीं उगती, बारिश नहीं होती है, तो अगर इस्लामी हुकूमत हो तो चोरी पे हाथ भी नहीं काटा जाता उतने दिन के लिए, क्यों? तो अब मसला ये हो गया कि हलाल के जरिए नहीं है, अगर वहाँ चोरी होती है तो हाथ नहीं काटा जाएगा, समझ रहा? एक्सेप्शनल, क्या आप मर रहे थे तो मरने से अच्छा आपने सोचा चुरा कर खा लूँ, एक्सेप्शनल। ठीक है, तो एक्सेप्शनल है, तो लिहाजा हंगामी सूरत एक्सेप्शनल। घर में आग लग गई तो आप थोड़ी बोलेंगे बुरखा पहन रही मैं रुको अभी अंदर मत, अब तक तो क्या हाल हो जाएगा, औरत बाजू हट जाए, कुछ चादर वगैरह कुछ भी हो ले ले, या बाजू भाग जाए वहाँ के कुछ ओढ़ ले और मर जाके फिर वो करे। आग लग गई, किसी को करंट लग गया, किसी का कोई मसला हो गया, कोई गिर गया, हंगामी सूरतें हैं। हंगामी सूरतों में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला भी जो इंशाअल्लाह अजीज़ जो अल्लाह ताला हमारी नीयतों को देखेगा, किसी की नीयत उनके सामने बेपर्दा आने की नहीं थी, हंगामी सूरत थी, अचानक हो गया, तो इंशाअल्लाह माफ़ कर। लेकिन उमूमी हालत में तमाम पर्दे के हुदूद लागू होने के साथ रिश्ते कायम रखेंगे, ताल्लुकात कायम रखेंगे, पूछताछ करेंगे, मदद करेंगे, वो समझूंगा। नहीं तो हम बस पड़ोसियों को ये रहता है कि उनकी बीवी आपके सामने बेपर्दा रही, आपकी बीवी उनके सामने बेपर्दा जा रही, उनकी बालिग बच्चियाँ आपके सामने बेपर्दा रह रही, आपके जो बच्चे उनके बच्चियों के साथ रह रहे, उनके बच्चे आपके बच्चियों के साथ, ये पड़ोसी का हक नहीं है। पर्दे के सारे हुदूद के साथ हंगामी हालतें एक्सेप्शनल केस होती है, और एक्सेप्शनल अल्लाह ताला हमारी नीयतों को इंशाअल्लाह देखेंगे।